नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है आप देख रहे हैं क्वेश्चन आर भारत आज हम लोग दो शब्दों के बेसिक ले में टर्म में डिफरेंसेस की बात करेंगे जिसे किस तरीके से बॉलीवुड ने हमेशा से कल्चर को प्रभावित करने की कोशिश की है और यहाँ प्रभावित करने का मतलब था कि नेगेटिवली प्रभावित करने की कोशिश की है डिमीन करने की कोशिश की है इंसल्ट करने की कोशिश की है धूमिल करने की कोशिश की आज बात करेंगे दो टर्म्स की निकाह और विवाह ले मैन टर्म में लोग सोचते हैं कि वेडिंग है इसका मतलब वेडिंग शादी हो रही है लेकिन टेक्निकलिटीज़ पर अगर जाएँ औरिजिनस पे अगर जाएँ तो उसका क्या मतलब है जितना ले मैं टर्म्स में समझा सकता हूँ बिल्कुल डीप और बिल्कुल इस्लामिक या संस्कृत मैं बिल्कुल उसमें नहीं जाऊँगा टेक्निकल डेफिनेशन पर नहीं जाऊँगा क्योंकि वो किसी को भी नहीं पता है लेकिन जो आज की डेट में लोग समझते हैं और आज की डेट की जो रियालिटी है उसके ऊपर बात करेंगे तो लेमैंड टर्म में निकाह का मतलब जो इस्लामिक कल्चर में शादियाँ होती हैं उसको निकाह कहते हैं और विवाह मतलब जो हिंदू कल्चर में शादियाँ होती हैं उसको विवाह कहते हैं संस्कृतता में ये बहुत समय पहले एक पिक्चर आई थी पी के जिसमें बॉलीवुड ने ये इंटेंशन जताई थी कि हम न्यूट्रल और सेकुलर होते हुए सारे रिलीजन्स धर्म मजहबों को एक तराजू पर रख के हमने सबके ऊपर सवाल उठाए हैं लेकिन अगर आप पिक्चर को अच्छे से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि वहाँ अल्लाह और जीसस को बिल्कुल ना के बराबर तिनके से छुआ गया है बिल्कुल छोटी मतलब कि बिल्कुल लिनियंसी दिखा दी गई है ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ कोई मेजर क्वेश्चन नहीं किया गया वहीं हिंदू धर्म के ऊपर ऐसा लग रहा पिक्चर बनी ही थी हिंदू धर्म को डिमीन करने के लिए उसके ऊपर सवाल उठाने के लिए लेकिन क्योंकि सेकुलर छवि और सेकुलर इंटेंशन जाहिर करनी थी तो मुसलमानों को और क्रिश्चियंस को भी घसीट लिया गया और सिखों को जैनों को बुद्धों को थोड़ा बहुत घसीट लिया गया बस तो उस मूवी में एक सीन आता है जहाँ पे आमिर खान न्यूज़ रूम में जाते हैं यार, यार सेक्स प्राइवेट बात का है? दुनिया को थोड़ी अनाउंस कि आज, आज <laughs> <का बात? laughs> जवाब नहीं है मेरे पास तो इस सीन के अकॉर्डिंग क्योंकि हिंदू धर्म के बारे में ही बताया गया शायद क्योंकि हिंदू कल्चर में हो रही शादी विवाह का ही रेफरेंस लेके उसका एग्जांपल दिया गया और इमिलेट करने कोशिश की हाँ ऐसा होता है मतलब शादी का मतलब ही सेक्स करने की परमिशन होती है या फिर शादी का मतलब ही सेक्स करना होता है ऐसा कुछ करने की कोशिश की गई है लेकिन कहीं जिक्र नहीं किया गया है कि निकाह टर्म का एक्चुअल मतलब क्या है कहीं ये जिक्र नहीं किया गया कि इस्लाम में प्यूबर्टी के बाद या फिर एक चौदह पंद्रह साल की उम्र के बाद लड़की को एलिजिबल माना जाता है शादी के, के लिए निकाह के लिए या फिर फिजिकल कॉन्टैक्ट बनाने के लिए ये कोई क्यों नहीं बताता इसको कोई क्यों नहीं क्रिटिसाइज करता ये जितने भी वुमेन एम्पावरमेंट वाले हैं वुमन सेफ्टी वाले हैं वुमन राइट्स वाले हैं उनको हिंदू महिलाओं का घूंघट तो बहुत पेट्रियारकल लगता है कि भाई मर्दों के दबाव में पहनती हैं कुछ नहीं पता उनको क्यों करती हैं ऐसा कोई उनके पास हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है कि कौन ऐसा पहले करता था उसके अपने सेपरेट रिजन उस पर बात कर सकते हैं बाद में लेकिन उन्हें मुस्लिम महिलाओं का बोर्डे जैसा बुरखा नहीं नज़र आता उसके ऊपर कोई बात नहीं करता उनका जो इल ट्रीटमेंट होता है निकाह हलाला होता है निकाह होता तमाम उसके ऊपर इन्हें कोई आपत्ति नहीं उसके ऊपर आप कभी कोई प्रोटेस्ट नहीं देखेंगे तो उसी तरीके से पी मूवी में भी मुस्लिम एंगल पर इस निकाह वाली बात पर शादी को सेक्स के लाइसेंस की तरह वाली बात पर नहीं देखा गया लेकिन हिंदू कल्चर को डिमेंड कर दिया गया कि वहीं ऐसा होता है क्योंकि आसान है आप ऐसा करेंगे तो आपके पीछे कोई तलवार लेके नहीं आएगा और ऐसे नारे नहीं लगाएगा कि सरतन से जुदा वगैरह वगैरह अब आते हैं लेम मीनिंग पे आपको हमेशा बताया जाता है कि निकाह मतलब मुस्लिम वे ऑफ़ गेटिंग मैरिड और विवाह मतलब हिंदू वे ऑफ गेटिंग मैरिड हमारे यहाँ विवाह को माना जाता है कि पवित्र रिश्ता है हमारे यहाँ तलाक टर्म का हिंदी या संस्कृत अनुवाद नहीं है हमारे यहाँ विवाह मतलब हमेशा के लिए एक बार हो गया तो हमेशा के लिए आप एक दूसरे के साथ हो नो ब्रेकअप नो डाइवॉर्स नो तलाक ऐसा कुछ नहीं है हाँ ये सब कई बार बाद में चीज़ें खराब निकल जाती हैं अगर आपको आपस में सहमति नहीं अलग होने का ऑप्शन नहीं वगैरह 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 तो उसके लिए आज के मॉडर्न रूल्स हैं आप लीगली कर सकते हो सारी चीज़ें हैं इन्फोर्समेंट बॉडीज़ हैं कि देखें कि आप अलग अलग हैं वो दूसरी चीज़ें लेकिन हमारे को पवित्र रिश्ता माना जाता है एक कल्चर माना जाता है एक एक संस्कार माना जाता है वहीं दूसरी तरफ निकाह टर्म है उसका मतलब ही है कि गेटिंग इन्वॉल्व इन सेक्स या फिजिकल कॉन्टैक्ट या तमाम चीज़ें दिस पेज रेफरेंस स्कॉलरली रिलायबल सोर्स दैट डिफाइन और डिस्क्राइब द अरेबिक टर्म निकाह और द रूट नकाह एन के एच एज मीनिंग सेक्शुअल इंटरकोर्स सेक्शुअल इंटरकोर्स की तरह इसको डिफाइन किया जाता है और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेक्शुअल इंटरकोर्स या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट या फिर मैरिज एज कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स मतलब शादी करें ताकि सेक्सुअल इंटरकोर्स हो सके फॉर द पेमेंट रिसीव्ड बाय द ब्राइड फॉर निका सी परपज ऑफ द मेहर मतलब कि जो पेमेंट रिसीव होती है जो मेहर की रकम दी जाती है उसके बदले सेक्सुअल इंटरकोर्स करने का कॉन्ट्रैक्ट एक तरीके से है तो कहाँ ये और कहाँ वो अगर पी के मूवी में या बॉलीवुड ने कभी भी किसी तरीके से थोड़ा सा इंटेंशनली न्यूट्रल हो के अगर कुछ दिखाने की कोशिश की होती उस मूवी में या कभी भी तो वो साफ साफ पता कर पाते और जनता के सामने बड़े प्लेटफॉर्म पर रख पाते कि निकाह का ये मतलब होता है ना कि विवाह का ना कि उस विवाह का जो हिंदू कल्चर में होता है तो ये एक अरबिक कल्चर है इस्लामिक कल्चर है इस्लामिक लॉ के अंडर आता है सब कुछ इसमें होता है ना कि उसमें होता है तो जितना ही विवाह को पेट्रियारिकल बना देना और दहेज और कन्यादान इन सब चीज़ों को दहेज भी हमारे यहाँ का हिस्सा नहीं मैं पहले बोल दूँ ये भी हमारे यहाँ का टर्म नहीं है इसके ऊपर कभी बात करेंगे आप भी ढूंढ सकते हैं इतना आप सक्षम हैं इंटरनेट के ज़माने में लेकिन क्योंकि इतना डिमीन किया गया आपको इतना सबकॉन्शियस माइंड में भर दिया गया है ह्यूमिलेट कर करके दबा के गाली दे दे के ये आप मानने लग गए कि हाँ आप हैं ही ऐसे और आप में ही कमियाँ हैं वजह से कि आप पहले ढूंढने क्लैरिफाई करें दस लोगों से बात करें दस जगह दस सोर्सेज से पता करें खैर इस वीडियो में इतना मैं ज़्यादा उसको शेयर करिए अच्छा लगा तो नया हो तो सब्सक्राइब करिए आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू हो तो कमेंट करके बताइए और किसी भी तरह का कॉन्ट्रीब्यूशन करना हो तो यहाँ आप देख सकते फिर मिलते हैं अगले जय हिंद वंदे मात्र